हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी परीक्षा की तैयारी भी बहुत अच्छे वे में चल रही होगी। तो आई हूँ आप सभी के बीच एक और गवर्नमेंट जॉब की अपडेट को लेके, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है। दिल्ली में जेल वार्डन एंड मैट्रॉन की पोस्ट के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए, ये ग्रुप सी का पोस्ट रहेगा और इसकी भर्ती जो है कंडक्ट कराई जाएगी DSSSB, यानी कि दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की तरफ से आपका ये भर्ती कंडक्ट कराया जाएगा। तो इसके लिए ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। आगे हम चर्चा करेंगे इस पोस्ट के बारे में संपूर्ण डिटेल के ऊपर, कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होंगे, सारा कुछ बताऊंगी। लेकिन उससे पहले अगर आप इससे रिलेटेड ऑफिशियल न्यूज आर्टिकल देखना चाहते हैं, एग्जाम सिलेबस जानना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वगैरह डाउनलोड करना चाहते हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम चैनल पे। और हाँ, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, तो जाइए जाके वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, दिल्ली में जेल वार्डन यानी कि मैट्रॉन की न्यू भर्ती आई है। दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी DSSSB इस भर्ती को कंडक्ट कराएगा। टोटल पोस्ट की बात करें तो आपका 1238 के तकरीबन इस पोस्ट के लिए रहेगा। तो मतलब कि अभी न्यूज़ में ये बात प्रस्तावित की गई है, तो संभावित है कि ये आपका बढ़ के जो भर्ती है ना, 2000 के अप्रोक्स पहुंच जाएगा। ठीक है, सीट अच्छी खासी रहेगी। ग्रुप सी का भर्ती है, ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। पोस्ट वाइज बार बार बता रही हूँ कि जेल वार्डन या मैट्रॉन बोलिए उसकी भर्ती रहने वाली है। इसके लिए जो फॉर्म फिल लिया जाता है वो आपका देखिए, जनरल OBC और EWS से 100 रुपीज, और SC ST फिजिकली हैंडीकैप पर्सन और फीमेल से कोई चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका फॉर्म का फी रहेगा। अब चर्चा करते हैं एज की लिमिट के ऊपर। कट ऑफ डेट अभी आपसे नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि जैसे ही इसका पूरा डिटेल नोटिफिकेशन आएगा ना, तो उसमें आपका एज का कट ऑफ डेट रहेगा। फिलहाल इतना जान लीजिए कि 18 वर्ष से 27 वर्ष के सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। रिलैक्सेशन तो मिलता ही है, OBC को 3 ईयर्स का और SC ST को 5 ईयर्स का, मतलब एज में छूट दिया जाता है। तो ये आपका बेसिक एज का डिटेल था। अब हम चर्चा करते हैं व्हाट इज योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। देखिए, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर आपका 12th पास रहने वाला है, यानी अगर आपने 12वीं पास कर रखी है किसी भी स्ट्रीम यानी संकाय से, तो आप अप्लाई कर सकते हो। चाहे आपने आर्ट्स लिया हो, कॉमर्स है आपका या साइंस है, सभी बच्चे अप्लाई करेंगे। और परसेंटेज का भी कोई इशू यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। अब बात करें कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, मतलब चयन प्रक्रिया क्या रहने वाला है। देखिए, सिंपली यहाँ पे आपका 4 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस होगा। पहले स्टेज पे CBT एग्जाम यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन एग्जाम होगा। देन आपका PET और PST मतलब फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, और साथ ही साथ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। एक भाषा में समझ लीजिए कि आपका फिजिकल होगा सेकेंड स्टेज पे। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होगा, DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और साथ ही साथ आपका मेडिकल भी। ये दोनों चीज ना सेम ही डे को समझिए तो हो जाता है, 3rd and 4th stage सेम डे करा लिया जाएगा। ठीक है, तो अभी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की जो प्रक्रिया रहेगी उसके ऊपर। देखिए, सबसे पहले तो आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है, तो ऑनलाइन होता है बट इसका जो एग्जाम सेंटर होता है ना वो दिल्ली में ही रहता है। तो आप इंडिया के किसी भी कोने से, किसी भी स्टेट से फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपको दिल्ली के जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में एग्जाम सेंटर होते हैं ना, वहां पे जाके आपको एग्जाम देना होता है। यहाँ पर देखिए 200 questions रहते हैं 200 marks के लिए। पर क्वेश्चन आपको 1 mark प्रोवाइड किया जाएगा। टाइम आपका 2 आवर्स यानी 2 घंटे की समय अवधि होती है। एंड देयर विल बी द निगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4, मीन्स कि 0.25 आपका डिडक्ट किया जाएगा। अगर आप एक आंसर को रॉन्ग टिक करके आते हो तो आपका 1/4 यानी 0.25 नंबर डिडक्ट कर लिया जाएगा। सब्जेक्ट वाइज अगर बात करूँ ना, तो टोटल 5 सब्जेक्ट के आपके यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फर्स्ट आपका जनरल इंग्लिश रहेगा, यानी कि सामान्य अंग्रेजी से 40 क्वेश्चन 40 नंबर के लिए आपसे पूछा जाएगा। जनरल हिंदी से भी 40 क्वेश्चन फॉर 40 मार्क्स, सामान्य हिंदी से भी 40 प्रश्न रहेगा।
थर्ड है आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, यानी कि मैथ्स जो कि गणित होता है उससे भी 40 क्वेश्चन 40 नंबर के लिए पूछा जाएगा। फिर आपका जनरल अवेयरनेस है, मतलब जीके जीएस करेंट अफेयर्स कंप्यूटर साइंस सबको कंबाइन करके 40 क्वेश्चंस फॉर 40 मार्क्स। लास्टली आपका रीजनिंग से क्वेश्चन होता है 40 क्वेश्चन फॉर 40 मार्क्स। तो ये है आपका एग्जाम पैटर्न। आई होप ओवरऑल आपको एग्जाम पैटर्न समझ आ गई होगी। तो देखिए इसका सिलेबस आप देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे कि आपका कौन कौन सा चैप्टर वीक है, कौन सा स्ट्रांग है, या फिर कौन सा चैप्टर अभी तक आपने नहीं बनाया है। साथ ही साथ आप जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर होगा उसको उठाएंगे, सॉल्व करेंगे, उससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि आप कहाँ पे कमजोर पड़ रहे हैं, कौन सा पार्ट आपका स्ट्रांग है। साथ ही साथ मॉडल पेपर वगैरह भी अभी से बनाइए, तभी जाके आप एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, ये तो रही एग्जाम की बात। एग्जाम के बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। तो देखिए पीईटी एंड पीएसटी दोनों की डिटेल्स बताऊंगी। पीईटी में क्या होता है, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, इसमें आपका शारीरिक क्षमता का मापन किया जाता है। और पीएसटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, इसमें आपकी शारीरिक मापदंड का यहाँ पर माप लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें तो सबसे पहले तो आपका पीएसटी ही होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें हाइट और चेस्ट मेजर किया जाता है। तो हाइट की अगर बात करें तो मेल कैंडिडेट का 170 सेंटीमीटर रहेगा एंड फॉर फीमेल्स इट इज 157 सेंटीमीटर। चेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ओनली फॉर मेल कैंडिडेट 81 to 86, मतलब 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन यहाँ पर होना चाहिए। देन आपका पीईटी होता है फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, जिसमें रेस यानी कि आपका दौड़ यानी रनिंग होता है। तो मेल कैंडिडेट के लिए ना 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर की दौड़ रहेगी, उनको 6 मिनट में कंप्लीट करना है। फीमेल्स के लिए 800 मीटर्स की रनिंग होती है और उनको ये 4 मिनट्स में कंप्लीट करना होता है। उसके बाद क्या होता है, लॉन्ग जंप होता है 13 फीट यानी 13 फीट फॉर मेल कैंडिडेट एंड 9 फीट फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। लास्टली हाई जंप का टेस्ट होता है 3 फीट 9 इंच फॉर मेल कैंडिडेट्स एंड 3 फीट फॉर फीमेल कैंडिडेट। तो ये फिजिकल है, जिसके बाद एक बारी आपको बुलाया जाएगा फॉर योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल प्रोसीड्योर। तो उसमें जब आप क्वालिफाई हो जाओगे ना तो एक मेरिट लिस्ट तैयार होगी, उसमें आपका नाम आएगा, देन आपको ज्वाइनिंग लेटर सेंड करी जाएगी, फिर आपको मौका मिलेगा दिल्ली में आपको जेल वार्डन के पोस्ट पे वर्क करने का, जो कि बहुत अच्छी पोस्ट होती है। तो इसमें आफ्टर ज्वाइनिंग आपको सैलरी क्या मिलेगी, आइए मैं एक्सप्लेन कर दूं। देखिए सैलरी स्टार्टिंग में 21,700 है एंड आफ्टर इंक्रीमेंट 69,100 रुपीज़ है। तो ये तो आपको पेपर पे नोटिफिकेशन में बताई गई सैलरी है। ऑब्वियस ही बात है कि रियल में इससे ज़्यादा मिलता है। आप ज्वाइन करोगे ना तो 30 से 35,000 शुरुआत में प्रोवाइड किया जाता है, बाद में सैलरी बढ़ते बढ़ते आपका 95,000 to 1 lakh के अप्रॉक्स हो जाती है। तो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, इसे मिस ना करें। परीक्षा की तैयारी कैसी करनी है तो मैंने बता दी है, लेकिन फिजिकल फिटनेस भी अभी से आपको सही रखना है। रनिंग वगैरह प्रॉपर स्टार्ट कर दीजिए, प्रैक्टिस रहेगा तो उस टाइम आपको दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, आई होप कि इस पोस्ट से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिल गई हो। अब भी कुछ डाउट एंड कंसर्न है तो कुछ हेजिटेट नहीं करना है, कमेंट करके क्वेरी को सॉल्व कर लेना है। अदरवाइज वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो एक लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करते रहना है। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आपको ऑल पे सेट करके जाना है, ताकि सारी न्यू जॉब की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब के अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।